मैं माता के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, सहारनपुर ने मेरे लिए, भाजपा के लिए एक मजबूत ताकत के रूप में काम किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, तो पूरे प्रदेश ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। आज जब मैं यहां नए भारत के नए आदेश के लिए आपके बीच आया हूं, तो सहारनपुर, केराना सहित यहां के कोने कोने से पहुंचे इस जन सैलाब से आपकी भावनाएं पूरा देश और देश के पॉलिटिकल पंडित भी भांप गए होंगे। देश के गांव गांव शहर शहर एक मजबूत लहर जो आज दिख रही है, वो आप सभी के यूपी के इस चौकीदार पर दिखाए प्रचंड विश्वास का परिणाम है। आपके विश्वास के कारण ही ईमानदार आज आश्वस्त है और भ्रष्टाचारी त्रस्त है, परेशान है। आपके विश्वास और साथ के कारण ही नामदारों के आगे कामगार भी सम्मान से खड़े हो पा रहा है। आपके साथ और विश्वास के कारण ही आतंकियों के आकाओं में डर पैदा हुआ है। भाइयों और बहनों, इस बार का चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं है। नए भारत की नीति और रीति क्या हो, आपके संतानों का भविष्य क्या हो, आपकी बहन बेटियों की जिंदगी क्या हो, इसके लिए ये चुनाव है। विकास देश के सामान्य मानवीय का हो या फिर मुट्ठी भर कुछ परिवारों का, इसको तय करने वाला ये चुनाव है। आप जहां हैं वहीं रुकिए, ये जगह छोटी पड़ गई है, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। भाइयों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, अब जहां है वहीं, अगर मुझे आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं भी आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं इतनी भीड़ के कारण, तो हम दोनों एक दूसरे की क्षमा मांग लेते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक तरफ आपका ये चौकीदार 5 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड अपनी नीति और नियत के साथ आप सबके सामने मौजूद है, दूसरी तरफ दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है जिनके पास सिर्फ एक ही नीति है, मोदी हटाओ,
और एक ही नियत है, वंशवाद बढ़ाओ, भाई भतीजावाद बढ़ाओ। साथियों, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा। आप बताइए, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा या पहले की तरह हर प्रकार के गांव झेलता रहेगा? इस चुनाव में आपको तय करना है। चौकीदार की रणनीति स्पष्ट है। हमारे खिलाफ साजिश देश के भीतर होगी। लेकिन सपा बसपा का स्टैंड क्या है? सपूतों के शौर्य का सबूत दो। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? टुकड़े टुकड़े गैंग का सम्मान करो। आपको ये बातें मंजूर है क्या? आपको मंजूर है क्या? आपको देश की सरकार पे भरोसा है? देश की सेना पे भरोसा है? हमारे 20 जवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है? हमारी फौजियों के बलिदान देने की भावना पर भरोसा है? आपको है, लेकिन ये वंशवादी लोगों को नहीं है। भाइयों और बहनों, ये पूरा इलाका तो ऐसे सपूतों का है जो या तो नक्सलवादियों माओवादियों से मुकाबला कर रहे या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों और पाकिस्तानियों को जवाब दे रहे हैं। लोगों से, यहां बैठी बहनों बेटियों से जरा पूछना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक्स और सबूत मांगने वालों पर जोरदार प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम, उसके बाद देहरादून भी जाएंगे, उत्तराखंड की राजधानी। तमाम अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लौट रहे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।